हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस भारत स्काउट्स एंड गाइड के न्यू इनिशिएटिव में, जिसका नाम है माइक चिल्ड। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप इस प्रोग्राम से पूरी तरह से रूबरू हो गए हैं कि क्या है ये माइंड जिम और ये कैसे कार्य करता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो माइंड जिम है, ये जिम है, ये एक्सरसाइज लेवल है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ग्रुप। ये दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी के लिए भी हमारी दो चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर वन एक्सरसाइज और दूसरा भोजन। खाना और एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमारे लिए, इस माइंड के लिए भी ये दोनों चीजें बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपने सही पहचाना कि हमारे इस माइंड जिम में हमें दो चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। नंबर वन इज कि हमें एक्सरसाइज करनी है और दूसरा भोजन। अब आती है कि माइंड की कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों, माइंड की एक्सरसाइज को कहते हैं मेडिटेशन, योग, सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन, कैथारसिस, इसके बहुत सारे हम नाम ले सकते हैं जो माइंड की एक्सरसाइजेस होती हैं। इसी तरह से माइंड का भोजन क्या होता है, यहाँ सोचना पड़ गए ना। सोचिए सोचिए, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो सोच रहे हैं कि माइंड का भी कोई भोजन होता है। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नई नई बातें आपको सुनने को मिलेगी ताकि माइंड काम करेगा थोड़ा सा हालात हटके। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि माइंड का जो भोजन है वो है थॉट्स। इस एपिसोड को, अपने इस पूरे माइंड जिम के जो एपिसोड है, उसको आपके लिए 8 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। 1 पे चलते हैं हमारे इस माइंड जिम के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू हो जाते हैं अपनी एक्सरसाइज से। कहते हैं ना कि जब हम जिम में भी जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा वार्म अप करो। इसी तरह से हमारा पार्ट 1 जो है वो है माइंड गेम। जी हाँ, क्या है ये माइंड गेम? जैसे आप जानते हैं कि माइंड में, ब्रेन में हमारे जो है एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है, और लेफ्ट ब्रेन और जो राइट ब्रेन है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी को लाता है, इनोवेशंस को लाता है, हमारे एक्सप्रेशंस को, हमारी फीलिंग्स को, उस सब को। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का बैलेंस जो है, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन का भी वर्क करता है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा है माइंड गेम, और ये सभी के लिए है। तो जो भी हमें देख रहे हैं ना, तो ये मत सोचिए नहीं नहीं ये तो छोटे छोटे बच्चे करेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है वो हम आपको बहुत बहुत इजी तरह से समझा रहे हैं। और पहले ही हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज से। तो दोस्तों, करना क्या है कि आपने ऐसे विक्ट्री का साइन बनाना है, या इसे आप बनी रैबिट भी कह सकते हैं। देख रहे हैं बनी रैबिट को, कितना कितना क्यूट है ये। यस, वेरी क्यूट बनी रैबिट। और यहाँ से आ रही है पिस्टल बनी रैबिट की। तो एक हैंड में आपने पिस्टल का साइन लेना है, एक हैंड में आपने ऐसे रखना है। अब नेक्स्ट उसमें आपने ये धीरे से इधर शिफ्ट कर देना और पिस्टल को ऐसे करना है, ठीक है। तो फिर से देखिए, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ये जो प्रैक्टिस है, जब हम ये इस तरह की प्रैक्टिस यूज करते हैं, जब हम राइट साइड को और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को, दोनों को यूज करते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इफेक्टिवनेस, या कह लो कि बहुत बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। माइंड गेम में अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो, जहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं उनसे कि वो किस तरह से ये प्यारी सी बनी रैबिट एक्सरसाइज को इस गन से शूट करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए उनके साथ। तो हाय गाइस, आज मेरा नाम अरबत है और आज मैं आपको एक माइंड एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, जो कि दिखने में इजी है पर है नहीं। मैंने भी उसे बहुत बार ट्राई करा, उसके बाद जाके वो मुझे आई है। सो इस हैंड में ये कुछ एक्सरसाइज ऐसी है। इस हैंड में हमें विक्ट्री रखना है, इस हैंड में हमें गन रखनी है, इस पर पॉइंट करनी है और फिर इसे चेंज करना है ऐसे। माइंड एक्सरसाइज में ऐसे करना है, देखिए ये ऐसे और फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो आया ना आपको मजा? जी हाँ, जरूर आया होगा।
क्योंकि हम जानते हैं कि आपने बिल्कुल अच्छी तरह से हूबहू वैसे ही करना होगा और अभी भी कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, वो छोटा सा नन्ना सा बच्चा भी कर रहा है। यस, वो नटखट सी गुड़िया भी कर रही है। यस, कैरी ऑन कैरी ऑन, क्योंकि यही तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। अब आते हैं अपने माइंड जिम के सेकेंड पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, जो माइंड जिम का सेकेंड पार्ट है वो है एंशियंट योगिक टेक्निक्स। क्या है योगिक टेक्निक्स? जो हमारे माइंड जिम में हेल्प करेगी। तो आज हम ले रहे हैं अष्टांग योग। जी हाँ, अष्टांग योगा के बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरह से अष्टांग योग ने हमें कितना कुछ सिखाया है। तो अब हम अपने साथ उनकी प्रैक्टिसेस को, हर बार कोई ना कोई एंशियंट योगिक टेक्निक्स को अपने माइंड जिम के सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। जी हाँ, इंटरेस्टिंग है ना। फर्स्ट पार्ट इज फॉर माइंड गेम और सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। सेकेंड पार्ट जो है वो है एंशियंट योगिक प्रैक्टिसेस या टेक्निक्स। तो आज हम ले रहे हैं अपने यम, जो हमारा अष्टांग योग के आपको पता है आठ पोर्शन है। फर्स्ट पार्ट जो उसमें हम ले रहे हैं वो है यम। जी हाँ, यम में दोस्तों वो अलग अलग पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब जानते हैं, लेकिन हम उसमें से आज सिर्फ अपने इस पार्ट में दो पोर्शन को कवर करेंगे। और देखिए, आप कवर नहीं करेंगे, आप अपने मन में उसको बैठाएंगे और पूरे हफ्ते उसकी चर्निंग करते रहेंगे। तो पार्ट टू के लिए तैयार हैं? से पहले अहिंसा। जी हाँ दोस्तों, हिंसा जो है वो हमारे जैसे अंदर बस चुकी है। नहीं मानते इस बात को? मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, हम अक्सर दोस्तों हिंसा कर देते हैं, हम थॉट्स लेवल पर भी हिंसा करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इसमें एग्जांपल रिलेट करती हूँ कि हम कहीं पार्क में जा रहे हैं ना, पार्क में वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर वो बहुत धीमी चाल से चलता है, हम कहते हैं इस तरह से चलेगा ना, उसका बिल्कुल वेट भी लॉस होएगा। कोई बहुत तेज चल रहा होता है, अरे ध्यान से चल, कहीं गिर ना जाए। इतने सारे थॉट्स हम हिंसा के वैसे ही दे देते हैं ना। ये भी तो हिंसा ही है ना, कि जब हम किसी को हर्ट कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे और उसको पता भी नहीं है। जाने अनजाने में हम कितनी बार ये करते हैं, लेकिन हमें क्या चीज अपनानी है वो है अहिंसा। जी हाँ दोस्तों, जो यम का जो पार्ट आपने प्रैक्टिस करना है, ये छोटी छोटी जो हिंसा है ना, ये बढ़ते बढ़ते दोस्तों मजाक मजाक में हम बहुत दूर निकल जाते हैं। अक्सर दोस्तों हम कहते हैं ना, अरे मैंने तो तेरे साथ मजाक किया था, तू तो बुद्धू है। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ये जो ऐसे ही कह रहा होता है, ये सही में हमारी असलियत को झलका रहा होता है। हम दिल से मजाक उन्हीं बातों का करते हैं दोस्तों जो सच में सत्य होती हैं, लेकिन उसको ओवरलैप कर देते हैं, उसको ढक देते हैं कि यार तो मजाक कर रहा था। छोटा सा एक अपने अंदर चेंज लाएं, क्योंकि अष्टांग योग में ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने थॉट लेवल पे भी, अपने माइंड के लेवल पे भी जो खाना है, इस माइंड की जो खुराक है, कितनी खुराक आप देने जा रहे हैं उसको। और पहली खुराक क्या दी है आपने उसको, कि मुझे बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है, मेरे को अहिंसा का जो पाठ है वो पक्का करना है। पर एक और बात बताऊं आपको, कि जब आप हिंसा करते हैं ना, तो आपके अंदर क्रोध आता है, isn't it? Don't you think कि आप बहुत ज्यादा एंगर में आ जाते हैं हिंसा में, और तो और आपकी क्रोध के साथ साथ आपको डर भी बहुत लगने लगता है। जब हम कोई चीज गलत करते हैं ना दोस्तों, हिंसा करते हैं ना, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं डर आ जाता है। फिर हम मिलते हैं अपने नए वर्ड से फियर। जानते हैं सब फियर? नहीं, मैं मानती हूँ कि आप लोग पूरी तरह से फियर को नहीं जानते हैं। तो लिखिए अपनी डायरी में फियर का फुल फॉर्म। जी हाँ, फियर का फुल फॉर्म जो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपने माइंड जिम में, वो है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, FEAR। लिख लिया बच्चों? यस, वेरी ट्रू। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, वो एविडेंस जो कभी हुए नहीं हमारे साथ और वो हमें बिल्कुल अपीयर होते हैं रियल। डर लगता है अंधेरे से, लेकिन अंधेरी में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डर लगता है। उसकी बातों को सोच के डर लगता है, लगता है ना? तो ये क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है क्योंकि फियर आ जाता है। और ये फियर किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोचिए सोचिए, एक्सरसाइज कीजिए। अभी अभी बताया था मैंने आंसर इसका। यस, जी हाँ, हिंसा करेंगे तो हिंसा से डर आएगा, हिंसा से क्रोध आएगा, और फिर आपको पता है उसके और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। दूसरी बात जो हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर याद रखनी है, कि मुझे ना गुस्सा करना है, ना मुझे फियर लाना है। और वो कैसे काबू में आएगा, ये घोड़ा कैसे काबू में आएगा? यस, कीप इट इन योर माइंड। ये खाना है आपके माइंड का, जो रोज खिलाना है सुबह शाम। ये नहीं कि संडे के संडे खिलाया और बाकी दिन भूल गए। रोज आपने खिलाना है। तो क्या खिलाया आपने? हिंसा नहीं करनी है,
और उसके साथ साथ डर, बिल्कुल निडर रहना है और क्रोध नहीं करना है। ये छोटी सी मैसेज आज पहली बार दे दीजिए। देखिए इसका असर, अभी तो आप हमसे जुड़े हैं ना, आप देखिए कैसे ये घोड़े काबू में आते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। पार्ट टू में अपने जो अष्टांग योग का दूसरा पार्ट है उसकी तरफ लेके चलते हैं, और वो है दोस्तों हमारे सत्य। क्या हम पूरे दिन सत्य बोलते हैं? सोचिए, नहीं। अगर आपको रेटिंग करने को कही जाए ना, तो आप सत्य मुश्किल से 10 में से कितनी बार बोलते हैं ये आप भी जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो फुल टाइम पूरे शिद्दत से जो है सत्य बोलते हैं। और दोस्तों जब हम सत्य नहीं बोलते हैं ना, तभी हमारा ये माइंड जो है ये गड़बड़ करता है, तभी माइंड रेस्टलेस होता है। कि माइंड की जो खूबी है ना, वो यही है कि उसको सच बोलना अच्छा लगता है, उसको किसी से हिंसा करना नहीं पसंद है, उसे कोई डर नहीं है, उसे किसी पे गुस्सा नहीं आता। ये तो हम उसको कंडीशन करते हैं और इस तरह से वो परेशान होता है। समझे क्या करना है अपने इस पार्ट टू में? जी याद रखिए इन दो पार्टों को जो खाना है माइंड का, तो पहला है अहिंसा और दूसरा है सत्य। अब लेके चल रहे हैं आपको पार्ट थ्री में। अब मिलते हैं आपसे अपने थर्ड पार्ट पे, जिसका नाम है हीरो विद इन यू। देखिए आज हमने आपके अंदर के हीरो को पहचान लिया है ना, आपको रूबरू कराए उस हीरो से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने माइंड के उस नए हीरो से, तो आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत प्रेरित है। हाँ, उसका हीरो का नाम है, क्योंकि हीरो है तो पावर तो होगी ही, मानते हो ना इस बात को? अगर कोई हीरो है तो उसके अंदर क्या होता है? हीरो कोई कमजोर थोड़ी हो सकता है, हीरो तो ताकतवर होता है। तो ऐसे ही आपने अपने अंदर पावर कौन सी लेनी है जो माइंड से रिलेटेड है, लेके जा रहे हैं पावर, है पावर टू विथड्रॉ। जी हाँ दोस्तों, पावर टू विथड्रॉ है क्या? पावर टू विथड्रॉ मतलब एक कछुए की तरह हम उसको देखेंगे। सबको पता है ना, टर्टल देखा है ना, टर्टल टॉर्टोइस देखा है ना, जब कछुआ चलता है कितनी धीमी धीमी गति से चलता है ना, ठीक है, महसूस कीजिए मन के पर्दे पर लेके आइए। यस यस यस, आ गया मन के पर्दे पर, एक कछुआ आया। यस, और सामने से आप खड़े हैं, तो कछुए ने क्या किया, अपनी सारी बॉडी को सिकोड़ लेता है, करता है ना, विड्रॉ कर लेता है, और एक शेल की तरह से बैठ जाता है, इज़न्ट इट, एक हार्ड शेल की तरह से बन जाता है, याद आ रहा है, दिख रहा है, और ऐसे बना रहता है कि मैं तो कुछ हुई नहीं, इज़न्ट इट। अब वो ऐसे कब तक बनता रहता है, जब तक कि उसके जो सामने वाले जो परिस्थितियां है वो दूर ना चली जाए। पूछिए अपने आप से, आप पावर टू विड्रॉ को यूज करते हो? हर उम्र का व्यक्ति पूछिए, जब कोई हर्डल आता है, कोई परेशानी आती है, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए, हमें अपने आप को समेट लेना चाहिए, है ना, और हम और भी ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। कोई सिचुएशन आती है, हम पैनिक हो जाते हैं, इधर उधर फोन कॉल घुलमाते हैं, हम इससे बात करेंगे, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, हम दूसरे से बात करेंगे, उधर से नहीं मिलेगा, नेट पर सर्च करेंगे, और क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। क्यों ना हम टर्टल से, इस छोटे से जानवर से ही कुछ सीखें, और क्या सीखेंगे कि पावर टू विड्रॉ करके अगर कोई परिस्थिति आई है तो मेरी स्थिति कैसी है, मेरे मन की स्थिति कैसी है, पर स्थिति मतलब पराई स्थिति, आपकी स्थिति कैसी है, हाउ आर यू फीलिंग स्टेबल एट द टाइम व्हेन यू आर इन द क्रिटिकल सिचुएशन, दैट इज अ मेन थिंग। अब ये जो पावर टू विड्रॉ है ये आपको करेगा क्या, तो थोड़ी देर के लिए आप शांति से होके बैठते हो, विड्रॉ करते हो और देखते हो सारी सिचुएशन को, तो आपकी माइंड में क्लैरिटी आती है। देखा ना, हम नहीं करते ना, कीजिए प्रैक्टिस, और ये सबके लिए है, प्लीज आपकी माइंड के लिए ये बहुत बड़ी जिम है। विड्रॉ, पावर टू विड्रॉ, जैसे सिचुएशन आई पैनिक मत हो, विड्रॉ करो, और दो क्वेश्चन अपने आप से पूछो। नंबर वन, क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है? और अगर आपको लगता है वो आपके कंट्रोल में है तो उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है ये मेरे उसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो लेट गो, छोड़ दो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, व्हाई टू टेक टेंशन। समझे, दिखाता है ये सब आपको पावर टू विड्रॉ दिखाता है, लेकिन इसके लिए करना क्या है, आपको शांत करना है। यू हैव टू विड्रॉ योरसेल्फ, यू हैव टू क्वाइटन योरसेल्फ, यू हैव टू थिंक लेस। उस समय बहुत ज्यादा जो घोड़े दौड़ते हैं ना मन में, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों, क्या क्वेश्चंस आते हैं, उन सब से विड्रॉ करो। एक और बात क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे को याद आई, यहाँ पे सबने क्वेश्चन मार्क बनाया कभी? बनाइए बनाइए, हाथों से बनाइए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। क्वेश्चन मार्क कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे और डॉट लगाते हैं, देखा कितना घुमाते हैं, ये करते हैं और फिर नीचे क्या लगता है, डॉट। समझे, इसमें आंसर इसमें ही छुपा है, क्यों क्वेश्चन मार्क में घूमते रहते हो, डॉट लगाओ ना, फुल स्टॉप। ओके फाइन,
ठीक है हुआ, सिचुएशन आई, बट आई विड्रॉ माई सेल्फ, आई हैव सीन एंड आई कैन वर्क ऑन इट. कर सकते हो अपना थर्ड पार्ट? जी हाँ. फर्स्ट पार्ट क्या था? रिवाइज 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 बनी रैबिट, यस. और सेकेंड पार्ट क्या था? वो था अष्टांग योग, जिसमें हमने सीखा कि हमें हिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है. और थर्ड पार्ट हमारा क्या है? हीरो विद इन यू. यस, आई एम द हीरो, आई एम द हीरो. कैसे बनेंगे हीरो? जब आपके अंदर कौन सी आएगी कैपेबिलिटी, कौन सी पावर आएगी? पावर टू विथड्रॉ. आपको विथड्रॉ करो सिचुएशन से. आते अपने फोर्थ पार्ट पे, और वो है फायर इनसाइड के, खाने से संबंधित और आपके जो आप पानी पीते हैं उससे संबंधित. जी हाँ, सभी को मैं कह रही हूँ, प्यारे प्यारे बच्चों को, नादान प्यारे प्यारे बच्चों से भी बात कर रही हूँ, कि जो खाना आप खाते हो ना, उसका भी आपके माइंड से बहुत बहुत रिलेशन है. देयर इज अ मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द फूड एंड वाटर. समझी? जो भी हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, इसका बहुत 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 गहरा संबंध है. जानना चाहते हो क्या संबंध है? चलो आपको बताते हैं. इसको कहानी की तरह से देखिए. ठीक है, खाना जो हम खाते हैं ना, तो जब खाना खाते हैं, जब उसको च्यू करते हैं, तो उसके पोरेस्ट पार्ट बनता है, थोड़ा हार्ड पार्ट पोरेस्ट, फिर मीडियम, और फिर वो बनता है फाइनेस्ट. जो कोरेस्ट पार्ट होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है हमारी बॉडी से एज अ फॉर्म ऑफ अ फीसिस, और जो हमारा मीडियम पार्ट होता है उससे बनता है हमारा फ्लैश. जी हाँ, ये जो फ्लैश हमारा बनता है ना, इसको हम देखते हैं अपनी बॉडी पे, ये किससे बनता है? खाने से बनता है. और तीसरा बनता है हमारा जो फाइनेस्ट, उसका और भी जो फाइनेस्ट होता है वो बनता है माइंड. वो कहाँ जाता है? माइंड. तो खाने से कहते ना, जैसा अन्न वैसा मन, सुना है ना? तो देखा हमने प्रैक्टिकली साइंटिफिकली आपको बताया कि खाना जो है वो तीन पोर्शंस में कैसे निकलता है हमारी बॉडी से. तो हमारा जो फाइनेस्ट पार्ट है खाने का, वो बनता है हमारा मन. तो हमारा मन कैसा होगा? जैसा हमारा अन्न होगा. अब यहाँ पे अन्न की जो बात आती है, और जब हम अपने फ्लैश की बात करते हैं, तो भी याद रखिए, कहते ना आलू खाओगे तो आलू जैसे बन जाओगे. ये गलत नहीं है, क्योंकि ये रिलेटेड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है. जैसा खाना खाते हैं वैसे हम बनते हैं, क्योंकि वो फ्लैश के रूप में हमें, हमारे ऊपर चर्बी जिसे कहते हैं, वो चढ़ती रहती है. अब आते हैं पानी की बात पे. जब हम पानी पीते हैं, पानी भी हमारा तीन फॉर्म्स में निकलता है. जो हमारा कोरेस्ट पार्ट होता है पानी का, वो यूरिन के थ्रू हमारा एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है. अब आती है बात जो मीडियम पार्ट होता है. जो मीडियम पार्ट होता है वो हमारे ब्लड में जाता है, हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाता है. और जानते हैं जो बिल्कुल फाइनेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? सोचो सोचो सोचो. पानी जो हम पी रहे हैं उसमें जो फाइनेस्ट पार्ट है वो क्या बनता है? वो हमारी ब्रेथ में जाके मिल जाता है. तभी तो कहते हैं जब किसी की सांस फूल रही होती है तो कहते हैं हाँ अब इसके लिए थोड़ा ठंडा पानी ले आओ, है ना? क्यों कहते हैं ठंडा पानी ले आओ? पानी क्यों पिलाते हैं? दूध क्यों नहीं पिलाते उस समय? क्योंकि पानी ब्रेथ से कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है. अब तीसरी बात आपको मिलाती हूँ, वो है फायर. हमारे अंदर इग्नाइट होती है, उसका जो कोरेस्ट पार्ट है उससे बनते हैं हमारे बोन्स. उससे क्या बनता है? हमारा बोन्स बनते हैं. और उसके बाद जो मीडियम पार्ट होता है उससे बनता है हमारे जो बोन मैरोज होती है ना, जो बीच में बोन्स के बीच में जो मैरोज होती है उसे, बोन मैरोज जो होती है उससे हमारा वो बनता है. और जो फाइनेस्ट पार्ट होता है हमारी फायर का, सोचो उससे क्या बनता होगा. सोचो सोचो, उससे बनती है हमारी वॉइस. देखा, पता था कि हमारी जो ये वॉइस है वो कैसे हमारी फायर से कनेक्टेड है. और फायर को हम रिलेट करते हैं, हम कहते हैं गुस्सा. गुस्से में ना इसकी आवाज जो है चोक हो गई, बोल रहा है तो उसकी आवाज जो है उसको परेशान करती है, क्योंकि फायर आई, फायर की वजह से सीधा थ्रोट पे असर पड़ता है, वोकल पे असर पड़ता है. तो देखा आपने किस तरह से हमारी जो फायर है वो वॉइस से रिलेटेड है. अब आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हमारा एक एक अन्न जो हम खा रहे हैं वो हमारे मन से रिलेटेड है. उसको इग्नाइट रखने के लिए खाने को हमेशा अच्छी तरह से खाना है, खूब अच्छे शिद्दत से खाना है, खूब पॉजिटिविटी से खाना है. नेगेटिविटी उस खाने में नहीं आने देनी है. जब भी खाना खा रहे हैं सिर्फ खाने पर कॉन्सेंट्रेशन करें. और ऐसे ही पानी के साथ है. तो सोचो, खाने से हमारा सीधा मन का कनेक्शन है, पानी से सीधे हमारी सांसों का कनेक्शन है. तो क्यों ना हम इन दोनों चीजों को अपना फायर बनाएं. तो देखा, फायर से मिले आप अपने, तो इसी को पूरी तरह से जगा के रखिए. अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट में. जी हाँ, माइंड, जिनकी अकड़ से आ गया है माइंड गेम में, इसका नाम है माइंड जैम. फिफ्थ पार्ट जो है हमारे इस पूरे एपिसोड का, वो है माइंड जैम. माइंड जैम क्या होता है आपको पता है ना, कि जिसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं 10 मिनट टाइप का. माइंड की 10 मिनट क्या है, देखना चाहोगे?
बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं माइंड की छोटी छोटी वो बातें जो आपके एक्सरसाइज के रूप में है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर आपको बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं। जो आर्टिकल्स हैं, काउंट कीजिए जरा इनको। अब आप सोचिए कि इन 10 चीजों को आपने लर्न करना है। कीजिए लर्न। आपको मैं एक मिनट का टाइम देती हूँ। इन 10 चीजों को आपने एकदम लर्न करना है इन अ टाइम ऑफ 1 मिनट। कीजिए। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं एक बल्ब। तो क्या आपने देखना है कि बल्ब जला, आपने रिलेट करना है, इससे एक कहानी बनानी है। हर एक अपना अलग अलग कहानी बना सकता है। जब हम चीजों को कहानी के रूप में जोड़ते हैं ना, यही मन की भाषा है। समझे आप माइंड की भाषा क्या है? अभी हमने माइंड का खाना देखा, माइंड की एक्सरसाइज देखी, अभी हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं माइंड का जो हमारी जो माइंड का जो पिक्चराइजेशन है, इमेज है, वही उसकी लैंग्वेज है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने कभी भी मेमोरी को इंक्रीज करना है, अपनी मेमोरी पावर को, तो आपने जो थिंग्स हैं उसके साथ एक स्टोरी रिलेट कर दो। जैसे बल्ब जला तो ग्लोब दिखा। ग्लोब के पास क्या रखा था? नोटबुक और पेन रखा था, और वहीं पर रखा था एक माइक्रोस्कोप। उसके साथ साथ मैंने देखा कि टेबल पे ही टेस्ट ट्यूब और हमारी एक थर्मोमीटर रखा था, और उसी टेबल पे मम्मी ने एक एप्पल भी रखा था जो मैं खाना भूल गया था। ओ, एकदम से घड़ी का अलार्म बजा। ओ, मुझे तो फिर से दूसरी नोटबुक में अपना काम शुरू करना है। और मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मन कर रहा था पेंटिंग का, लेकिन नहीं कर पाया। तो देखिए, आपने इस तरह से जब पिक्चर बनाई ना पूरी, तो वो पिक्चर आपके दिमाग में रहती है। तो ये सभी के लिए है कि अगर आपको अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना है, तो ये माइंड जैम हमारे साथ हर बार कीजिए। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, नई नई आइटम्स लिए और बनाइए नई नई कहानियां, जिससे आपका माइंड क्रिएटिव भी होगा और मेमोरी स्किल भी बढ़ेगा। मजा आ रहा है ना दोस्तों? तो अब हम आते हैं अपने नए पार्ट पे, और वो है पार्ट 6। यहाँ पार्ट 6 है सर्वेंट और मास्टर। क्या आप अपने माइंड के सर्वेंट हैं या उसके मास्टर हैं? तो देखिए, आज का जो टॉपिक हम इसमें ले रहे हैं सर्वेंट और मास्टर में, वो है अचीविंग योर गोल्स। कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? आज जो टेक्निक हम इसमें सर्वेंट और मास्टर में ले रहे हैं, वो टेक्निक बहुत सिंपल है, वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, विजुअलाइजेशन टेक्निक, सारे के सारे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अक्सर इस टेक्निक को यूज करते हैं। और ये टेक्निक इसलिए यूजफुल होती है क्योंकि इस टेक्निक में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होता है, और तो और हमारा जो ब्रेन है उसका प्रोग्रामिंग थोड़ा सा चेंज भी करते हैं हम। तीसरी बात जो हेल्प करती है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विजुलाइजेशन में हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत बहुत फॉलो करते हैं, और साथ साथ ये हमें इंटरनल मोटिवेशन देता है। तो कैसे हम इस टेक्निक को यूज करेंगे, कैसे हमारा माइंड जो होगा वो हमारे काबू में होगा और हम उसके मास्टर होंगे, और टॉपिक है अचीविंग योर गोल्स। तो इसके लिए बहुत बहुत सिंपल सा प्रोसेस करना होता है। सपोज जैसे अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे एफिल टावर जाना है ना, या मुझे पेरिस जाना है, तो आपने क्या देखना है कि बस मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने एक पिक्चर खींच रहा हूँ, एक अपनी सेल्फी ले रहा हूँ, और वो सेल्फी की पिक्चर को उसने अपने बार बार विजुलाइज करना है। ऐसे ही किसी का अगर मन है कि मुझे कोई गाड़ी नहीं खरीदनी है, उसके मन में क्या चल रहा है, गाड़ी खरीदनी है, तो उसने क्या देखना है कि मैं शोरूम जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और वो गाड़ी की किस मुझे मिल रही है, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ और उसे अपने घर पे लेके आ रहा हूँ। दिस इज अ सिंपल वे टू कंट्रोल योर माइंड, टू मास्टर योर माइंड, एंड द टेक्निक इज नोन एज विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी इफेक्टिव है ना दोस्तों, कि आपको जो भी चाहिए उसको विजुअलाइज करना है, सक्सेस को देखना है, अपने गोल्स को देखना है, और तो और सपोज अगर आप नौकरी के लिए कहीं जा रहे हैं या आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट से पहले ही, पेपर देने से पहले भी आप विजुअलाइजेशन को कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है कि मैं पेपर के लिए जा रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गया हूँ, क्वेश्चन बहुत पेपर जो है बहुत ईजी आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से उसको पेपर को कर रहा हूँ, जो मेरी टीचर है उसे बहुत अच्छी तरह से चेक कर रही है, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड्स मिल रहे हैं, मेरा रिजल्ट आ रहा है और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। ये टेक्निक आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने में मदद करेगी, और ये आपकी विजुलाइजेशन टेक्निक आपको
आपको हेल्प करेगी काम डाउन करने में और आपके माइंड को एकदम चैनलाइज करने में मदद करेगी। तो आप कीजिए इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपने अलग अलग क्राइटेरिया के साथ और हमें बताइए कि कैसे आपको ये टेक्निक हेल्पफुल लगी। आते हैं अपनी सेवंथ पार्ट। जी हाँ, सेवंथ पार्ट ऑफ द जिम में अपने माइंड जिम की, और वो है आपका मिरर टेस्ट। मिरर मतलब जो हमारे को सच्चाई बताता है। तो देखिए अपने सामने कि मेरे सामने एक मिरर है। अब मेरे सामने जो अगर मिरर है तो उसमें मुझे अपनी क्या दिख रही है? रिफ्लेक्शन। वेरी ट्रू, आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है। अब ये जो आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है, इसमें जरा ध्यान से देखिए कि क्या आपके अंदर ईगो है। इज देयर ईगो विद इन मी? जी, मिरर टेस्ट में हम अपनी वो वाइसेस को देखेंगे जिन्हें हमें दूर करना है। तो देखिए किस तरह से हम अपने ईगो को आज इस मिरर टेस्ट में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो जानने चाहते हैं कैसे करेंगे? इस मिरर टेस्ट में याद रखिए कि प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो हमारे ईगो से रिलेटेड है, वो हमेशा सर्विस से कंप्लीट होता है। जब आप किसी भी चीज की सर्विस में करते हैं, सर्विस इन द सेंस सेवा करते हैं, तो आपकी ईगो जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि ईगो इसके अंदर होगी वो सेवा नहीं कर पाएगा, और जो सेवा करता होगा उसमें ईगो नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको अपनी ईगो को कम करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा सर्विस कीजिए। और देखिए कि मैं सेवा के क्या क्या तरीके ढूंढ सकता हूँ। ममता से कर सकता हूँ, वाचा से कर सकता हूँ, कर्मणा से कर सकता हूँ, से कर सकता हूँ, तन से कर सकता हूँ, किस तरह से मैं मदद कर सकता हूँ। तो जो आप लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, वो बच्चे भी बहुत अच्छी अच्छी सेवा कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स की आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, मदर की हेल्प किचन में कर सकते हो, पापा को सपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी सेवा है ना, ये जो हमारे अंदर की ईगो आ जाता है ना, आई मी एंड माई सेल्फ को जन्म देता है, वो धीरे धीरे आपका खत्म होता रहता है। तो ईगो पे आज आप सब अपने मिरर टेस्ट में काम कीजिए, और यही हमारी सेवन एक्सरसाइज है। अब लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं अपने जिम की। जी हाँ, एपिसोड का टाइम खत्म होने वाला है, तो लास्ट पार्ट है पार्ट एट। और पार्ट एट में हम सब सीख रहे हैं एक्सीलेंस, एक्सीलेंस एंड एक्सीलेंस। जी हाँ, एक्सीलेंस विच इज इनर एक्सीलेंस, जो हमारे अंदर है। तो क्या है वो एक्सीलेंस? वो है आपकी ट्रू प्रैक्टिस। तो आइए कुछ पल के लिए हम इसकी प्रैक्टिस। लास्ट एपिसोड होता है और जो लास्ट पार्ट होता है हमारा इसका, उसमें हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी अपने माइंड को चैनलाइज करने की, और थोड़े से अपने माइंड को काम डाउन करने की, बिल्कुल कंट्रोल करने की। तो आइए इस एक्सरसाइज करें। तो अपनी बॉडी को एकदम कुछ पल के लिए इरेक्ट रखें, अपने आईज को किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करें। आंखें अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, और अपने माइंड जिम की पूरी एक्सरसाइज को आइए इनर एक्सेलेंस से बढ़ाते हैं। तो देखिए, मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो माइंड जिम की थी, उसमें एक रैबिट और एक गन की थी, मेरे राइट और लेफ्ट ब्रेन को एम्पावर करेगा। फिर मैं अष्टांग योग से अपने अंदर सत्यता को ला रहा हूं, और तो और अपने अंदर की हिंसा को, क्रोध को और फियर को दूर भगा रहा हूं। उसके साथ साथ मैं अपने इस माइंड जिम में अपनी तीसरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है हीरो विद इन मी, और उसमें मैं पावर टू विथड्रॉ को ले रहा हूँ। परिस्थितियां आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, लेकिन मैं उन सब को विथड्रॉ कर सकता और अपने इनर कॉन्शियस से बात करके उसका बहुत बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल सकूं। मैं देख रहा हूं कि मैं अपने जो फायर है मेरे अंदर, उसको कैसे हमेशा जला के रख सकता हूं, एनलाइटन रख सकता हूं, और उसके लिए मुझे अपने भोजन पे, अपने पानी पे, इन दोनों पे बहुत ध्यान देना है। इसे बड़े आराम से लेना है और बड़े सुकून से खाना है और पीना है। तो मैं अपनी बात पर बहुत बहुत करके बैठा हूँ। फिर मैं अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर रहा हूँ, अलग आइटम्स की, चीजों के साथ इमेज को देखकर उनसे कहानी बना के, जो मन की लैंग्वेज है वो है चित्र।
तो मन की एम्पावरमेंट के लिए मैं चित्रों को कहानी के रूप में जोड़ रहा हूँ और मेरी जो मेमोरी स्किल है इंक्रीज, उसके साथ साथ मैं मास्टर बन रहा हूँ। मैं विजुलाइजेशन टेक्निक से अपने गोल्स की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं मास्टर अपने इस माइंड को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मैं इन सब को लेकर अपने इनर एक्सेलेंस को पाने के लिए अपना मिरर टेस्ट कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि मेरे अंदर की जो ईगो है उसे मुझे प्योरीफाई करना है और बहुत अच्छी तरह से मुझे हमेशा हमेशा के लिए प्योरीफाई करना है और मैं सर्विस से प्योरीफाई कर रहा हूँ। एंड नाउ वी आर बैक। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हम अपने इस माइंड जिम में कैसे आपसे मिलेंगे, इस तरह से आपको अलग अलग एक्सरसाइज कराएंगे, इस तरह से हम अपने प्रैक्टिसेस को आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि हम अपने माइंड पर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली बार अपने इसी एपिसोड में जिसका नाम है माइंड जिम। और इसके लिए आप संडे को हमारे साथ अवश्य कनेक्ट होइए 5:30। आपका हम बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सारे बच्चा पार्टी हमारे इन एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेगी और जो हमारे हम उम्र हैं वो जरूर जरूर शिद्दत से इसको अपने रूटीन में लाएंगे और जो हमसे बड़े हैं वो हम पर अपने आशीष अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।